करते हैं गाइज आज के ब्लॉग की। और आज का ब्लॉग जो हम बना रहे हैं वो ब्लॉग है पहाड़ी लाइफस्टाइल ब्लॉग, कि पहाड़ों में लोग अपना जीवन कैसे व्यतीत करते हैं और पहाड़ों में क्या क्या फसलें होती है जिसकी वजह से आप अपना गुजारा कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के ले चलता हूँ मैं आपको पहाड़ों की ओर। तो खेतों में जाने से पहले आप देख सकते हैं मेरे सामने की ओर यहाँ पर है केले का पेड़, और नीचे की ओर ये गन्ने हैं, और ये अनार का पेड़ इधर। तो ऐसे ऐसे चीज़ें गांव में लगाई जाती है। तो स्टार्टिंग में सबसे पहले आते हैं, और ये हमारा खेत है अदरक का। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हिमाचल प्रदेश के सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में, हिमाचल में सबसे ज़्यादा अदरक सिरमौर में होता है। और आप देख सकते हैं इस तरह ऐसा सा अदरक है, पूरे खेत में अदरक है इस खेत में। इसके बाद चलते हैं दूसरे खेत की ओर। और आते ही दूसरे खेत की बात की जाए तो गाइस इस पूरे खेत में लगे हैं बीन, जैसे कि आपको पता ही है कि बीन काफ़ी महंगे लगाए जाते हैं। और अब चलते हैं हम तीसरे खेत की ओर। और तो तीसरा खेत है गाइस मक्की का। मक्की के बारे में तो आप सभी जानते होंगे, जिसके अभी आप देख सकते हैं सूत अभी अभी निकले हैं, और लगभग 10 से 15 दिनों के बीच में मक्की तैयार हो जाएगी। और अब चलते हैं दूसरे खेत की ओर। आपकी जहां तक नज़र पड़ रही होगी इस बरसात के समय में मक्की और टमाटर की फसलें ज़्यादा होती है, जहां तक आप देख पा रहे होंगे। तो यहां पर मक्की और आज के गाइस मौसम की भी बात करूं तो मौसम काफ़ी सुहाना है, जैसे कि आप देख सकते हैं हल्के हल्के बादल भी लगे हैं, धूप भी काफ़ी तेज़ है, पर बीच बीच में बादल आ जाते हैं जिसकी वजह से मौसम काफ़ी सही बना है और तापमान काफ़ी सही है। चलो ऐसे ऐसे रास्ते हैं हमारे मक्खियों के बीच से। चल और सामने पहुँच कर आप देख सकते हैं ये है नाशपाती का पेड़, और उसके नीचे हैं ये खीरे की पेड़।